Hello everyone. So in this video, today we are going to discuss about 5th standard mathematics chapter number 1, that is Roman numbers. So first of all, let me explain you that is what is mean by Roman number and what is the international number. So Roman numbers, you can see here I have drawn a clock for you, that is here I have written Roman numbers in form of Roman numbers, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So these numbers are called as Roman numbers. So Roman numbers, ठीक है. तो ये जो numbers आपको given है, सुनो क्या होते हैं Roman numbers. अब ये 1, 1, 2, 3, 4 इसमें क्या था Roman numbers. अगर इसके ऊपर लिखूँ मैं normally basically हम लोग clock use करते हैं, उसमें कैसे रहता है normally 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 और ये 12 हम लोग ये टाइप का क्लॉक यूज़ करते हैं, ये टाइप भी क्लॉक हम लोग यूज़ करते हैं, बट मोस्टली पीपल क्या प्रेफर करते हैं ये टाइप का इंटरेस्ट नंबर को. तो जो नंबर्स मैंने बाद में लिखे थे ये 1, 2, 3 ये 4, 5, 6, 8, 9 ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर, कौन से इंटरनेशनल नंबर्स, ठीक है. इनको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर्स. और अदर नेम क्या है इसका, दूसरा नाम क्या है, हिंदू अरबिक नंबर, ठीक है. इंटरनेशनल नंबर का दो नाम है, पहला नाम क्या है इंटरनेशनल नंबर, दूसरा नाम क्या है हिंदू अरबिक नंबर. तो आपको समझा रोमन नंबर का मतलब क्या है. तो आप जब स्कूल में जाते हो, ठीक है, आपको स्कूल में बाहर जो बोर्ड लगा था क्लास के सामने, जैसा आपको ये स्टैंडर्ड यहाँ आ जाएगा स्टैंडर्ड, यदि आपको ये स्टैंडर्ड, तो ये सबका मतलब क्या होता है, इसका एक्स का मतलब क्या होता है 10th स्टैंडर्ड होता है, ठीक है. 2 मतलब क्या है ये सेकेंड स्टैंडर्ड होता है, इसका मतलब क्या है ये फर्स्ट स्टैंडर्ड होता है. तो बेसिक चीज़ होती है आपको, जो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे कि रोमन नंबर्स को आपको लिखना है कैसा है, आप कोई भी नंबर कैसा लिख सकते हैं, वो इस चैप्टर में सीखने वाले. तो स्टार्ट करते हैं. आई होप आपको समझाओ कि रोमन नंबर्स और इंटरनेशनल नंबर होते क्या, फिर डिफरेंस बीच में आपको समझ आएगा. अब आता हूँ आपको आपके जो टेक्स्ट बुक में कितना 1 से 20 तक का नंबर्स गिवन है. आपके टेक्स्ट बुक में ओनली 1 to 20 तक का रोमन नंबर गिवन है, बट मैं सब कुछ तरीके कुछ मेथड बताऊंगा, उसको फॉलो करके आप कोई भी नंबर रोमन नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है. तो रूल्स, बेसिक रूल्स आपको प्रॉपरली देखना है. मैं देखिए आपको जो टेस्ट में आपको आगे नहीं, आपको लाइफ में आगे कुछ आगे भी करना है, आगे भी बाहर भी देखना है. आपको टेस्ट में 1 से 20 तक दिए, बट आपको आगे इस नंबर से आना चाहिए ना कि 25, 50, 100, 1000, तो क्या करेंगे. तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, ठीक है. ओनली टेक्स्ट बुक का नहीं, टेक्स्ट बुक के बाहर भी जाके पढ़ने वाले हैं. तो देखिए, तो आपका आई का मीन्स क्या होता है 1, वी मतलब 5, एक्स मतलब 10, एल मतलब 50, सी मतलब 100, डी मतलब 500 एंड एम मतलब 1000. ये बेसिक अल्फाबेट्स हैं जिसकी वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन है, और ये वैल्यूज आपको बाहर ऐड करना है, ठीक है. वापस रिपीट करता हूँ, आई मीन्स 1, वी मतलब 5, एक्स मीन्स 10, एल मतलब 50, सी मतलब 100 एंड डी मतलब 500 एम मतलब 1000. तो बेसिकली आपको याद रखना, अब इसके हेल्प से हम लोग मोस्टली क्या यूज़ करेंगे, हम लोग मोस्टली आई वी और एक्स को यूज़ करेंगे. लोअर क्लास में हम लोग मोस्टली ये यूज़ करेंगे, आपको टेस्ट में आपको इतना यूज़ है, ठीक है. बट ये जो चीज़ है आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा, ठीक है. तो आई मतलब होता है 1, वी मतलब 5, एक्स मीन्स 10. सो स्टार्ट करते हैं. इसके लिए कुछ रूल्स है, तो रूल नंबर 1 के, रूल नंबर 1, इसमें क्या करना आपको, देखिए बोलते हैं कि आपको अगर आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड 3 times. अब इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि जो आपका आई है, आई को आप 3 times रिपीट कर सकते, एक्स को आप 3 times रिपीट कर सकते, सी को आप लोग 3 times रिपीट कर सकते, एम को भी 3 times. इसका मतलब क्या है, अब मैंने बोला आई का मतलब, आई का वैल्यू क्या था, आई का मतलब क्या था 1, तो 1 मतलब क्या, मैं आई आई आई, तो तीनों का नंबर सेम रहेगा. अगर आपको ऑलवेज एक साथ में 3 नंबर है तो उसको ऐड करना है, सेम नंबर से मतलब आपको क्या करना है, ऐड करना है, मतलब प्लस करना है, ठीक है. तो आई मतलब 1 + 1 + 1 कितना हुआ 3, तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको 3. सिमिलरली अगर आपको मिला एक्स एक्स, यहाँ पर 2 बार एक्स है, नंबर सेम है, तो सेम नंबर मतलब आपको ऐड करना है,
सेम मतलब आपको क्या करना है, ऐड करना। तो x का वैल्यू क्या आता है, x मतलब क्या होता है 10, तो 10 प्लस 10 मिले आपको 20, ठीक है। अगर आपको मैंने दिया और क्या c, तो c c c नंबर सेम है, सेम मतलब आपको प्लस करना है, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया आपको 300, कितना हुआ इसका वैल्यू क्या हो गया 300। आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको प्लीज कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बताइए, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो इतना हुआ, इसके बाद देखते हैं आपको ये हो गया आपका m का मतलब क्या, मैं यहाँ पर लिखूँ 2m, तो m का मतलब क्या है 1000, 2m मतलब 1000 प्लस 1000 कितना हो गया यहाँ 2000, ठीक है। तो आपको मिलेगा 2000। तो बेसिक चीज़ आपको x रिपीट होती है, इसको हम लोग ये कर रहे हैं x c m हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो जो बचा हुआ है मतलब क्या बचा है, v l और m एंड डी, ये हम लोग इसको हम लोग क्या कैन नॉट बी रिपीटेड, इसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। इसका मतलब इट्स मीन दैट यू कांट राइट बी एंड डी, ये पूरा रॉन्ग होगा। यू कैन नॉट राइट वी एंड वी, ये सब रॉन्ग होगा। यू कैन नॉट राइट एल एल एल, ये चीज आप लोग नहीं लिख सकते, ये आपका मेथड रॉन्ग हुआ। आप लोग ओनली रिपीट क्या कर सकते हैं I X C M, इसको या ओनली और मैक्सिमम 3 टाइम। अगर आप बोलेंगे ये C है तो C को मैं ये, अगर आपको लिखना है 400 तो क्या 400 क्या करें आप लोग, इसके अलावा नहीं C C C या P नहीं लिख सकते, क्यों मैंने आपको बताया। अगर आपको 300 लिखना है तो आप लोग क्या करेंगे C C C, C में 300 होगा, आपको 4 के लिए आप लोग ये चीज़ नहीं लिख सकते, ये चीज़ रॉन्ग होगा, ठीक है। क्यों, रूल क्या है, बिकॉज आपको ओनली 3 बार रिपीट कर सकते हैं, बट आपने यहाँ क्या किया, आपने यहाँ पर 4 बार रिपीट किया, आपको 4 नहीं ओनली 3 बार रिपीट करना है। ये आपको गोल्डन रूल आपको दिमाग में रखना है, भूलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एग्जाम में आ सकता है कि इसका आपको फॉर्म में लिखो, रिपीट कर इसको अभी। नंबर 2 देखिए हम लोग क्या करते हैं, रूल नंबर 2 क्या अपना, सपोज करो देखिए रूल नंबर 2 समझा, आपको लिखने मैंने बताया आपको 1 के लिए आई वी के 5 एक्सीडेंट, अगर आपको लिखना है 4, आपको अगर 4 लिखना है तो 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपको हमने यहाँ 5 लिखा, अबे 4 का मतलब 5 में से एक काम करो क्या बनता है 4, तो देखिए V अपना V और Y ये मैंने लिखा 4, देखिए V मतलब 5, I मतलब 1, तो अगर मैं बड़ा ये लिखा अपना ये बड़ा नंबर, अगर बड़े नंबर के पहले स्मॉल नंबर आए, स्मॉल नंबर मतलब ये 1 क्या आपका छोटा नंबर, 1 आपका स्मॉल नंबर है और 5 आपका इसके वैल्यू क्या है 1, इसका वैल्यू क्या है 5। तो अगर कभी भी अब याद रखो, बड़े नंबर के पहले स्मॉल नंबर आया तो आपको वैल्यू माइनस करना है, तो 5 में से 1 गया तो मतलब 5 में से 1 गया तो 4 बचेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे 4। अगर आपको समझो आपको लिखना है 9, तो ये 10 9 कैसा बोलेंगे, 9 देखिए कैसे लिखेंगे, 10 में से 1 माइनस कर दो तो क्या मेरा 9, देखिए देखिए 10 ये आपका 10 है और ये आपका 1 है, तो 10 ये इसकी वैल्यू माइनस, तो देखिए स्मॉल नंबर पहले आ रहा बड़े नंबर बाद में, तो इसके लिए वैल्यू कम कर, 10 में से 1 गया तो 9 बचा। समझा आपको मिला, यहाँ पर लिखा मैं एल लिखा, एल लिखा हूँ यहाँ पर एक्स लिखा हूँ, इसका वैल्यू क्या होता है 50, इसका वैल्यू तो 10 होता है, तो देखिए एल मतलब 50, एक्स मतलब 10, तो देखिए इसमें क्या है बड़ा नंबर बाद में स्मॉल नंबर पहले, तो जो स्मॉल नंबर अगर आपको कभी पहले आएगा तो वैल्यू कम करना है, तो 50 में से 10 गया तो क्या मिलेगा 40। तो देखिए आपको इसमें भी क्या, बिगर नंबर पहले था स्मॉल नंबर बाद में, ये आपको कंफ्यूजन लगे, स्मॉल नंबर अगर फर्स्ट पोजिशन में और बिगर नंबर सेकेंड पोजिशन में, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकेंड। तो अगर कभी भी स्मॉल नंबर फर्स्ट पोजिशन पर रहेगा तो आपको वैल्यू कम करना है, स्मॉल नंबर ये अपना क्या है, ये फर्स्ट पोजिशन है, फर्स्ट और ये सेकेंड है, इधर देखिए ये फर्स्ट और ये सेकेंड है, अगर स्मॉल नंबर फर्स्ट पोजिशन में रहेगा तो वैल्यू कम करना है, क्या करना है वैल्यू कम करना है, तो देखिए ये बिगर नंबर है, ये स्मॉल नंबर है, तो पहले 50 पड़ा है तो ये छोटा है, तो हमने वैल्यू कम कर दिया, 50 में से 10 गया तो क्या बचा आपको 40 बचा। सिंगल आपको यहाँ पर लिखा मैंने स्मॉल नंबर ऑन फर्स्ट प्लेस माइनस, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर मैंने आई वी लिखा, तो वी मतलब क्या है 5, स्मॉल नंबर फर्स्ट प्लेस पे, ये मैं फर्स्ट प्लेस पे गया स्मॉल नंबर, तो हमने माइनस किया 5 में बन गया 4 बचा। इधर देखिए इधर भी एक्स और आई लिखा, तो स्मॉल नंबर किधर है फर्स्ट प्लेस पे, तो मैंने माइनस किया 10 में से 1 गया तो 9 बचा। यहाँ पर भी क्या हुआ 10 में से 50 में से 10 गया तो 5 बचा, 40 बचा। अब देखिए और सेकेंड रूल क्या है, स्मॉल नंबर ऑन सेकेंड पोजिशन,
अगर आपको स्मॉल नंबर सेकंड पोजीशन वैल्यू प्लस करना है तो यहाँ इसमें देखते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। ये था पहले मैंने, अब वी आई कर दो, मतलब क्या हुआ, वी क्या मतलब क्या है, फाइव, आई मतलब क्या है, वन। तो देखिए ये मेरा क्या है, फर्स्ट पोजीशन, ये मेरा सेकंड पोजीशन है। तो अगर आपका स्मॉल नंबर का है सेकंड पोजीशन में, स्मॉल नंबर ऑन सेकंड पोजीशन आपको वैल्यू प्लस करना है, तो फाइव प्लस वन सिक्स होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें देखेंगे, इसमें हम लोग के लिए, तो इसमें मैं टेन लिखा है, वन। तो देखिए एक्स का मतलब क्या होता है, टेन, आई मतलब वन होता है। तो देखिए इसमें क्या है, ये मेरा क्या है, फर्स्ट पोजीशन, ये मेरा सेकंड पोजीशन। तो इसमें स्मॉल नंबर फर्स्ट पे आपको ओनली स्मॉल नंबर लिखना है, आपको ओनली क्या करना है, फोकस स्मॉल नंबर पर है। स्मॉल नंबर कहाँ पर है, फर्स्ट पे सेकंड पे। इसमें स्मॉल नंबर किधर है, स्मॉल नंबर कहाँ पर है, सेकंड पे। स्मॉल नंबर देखिए ये फर्स्ट सेकंड, स्मॉल नंबर सेकंड पे, तो मतलब प्लस करना है, तो टेन प्लस वन इलेवन। आपको मैं ई चीज लिखूंगा, मैं ये एल एक्स लिखू मैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये लेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्ट। तो देखिए इसमें इसका वैल्यू क्या है, फिफ्टी, इसका वैल्यू क्या है, टेन है। अब देखिए आपको ओनली ये दो चीज ध्यान, ये आपको दिमाग में याद रखना है, ये गोल्डन रूल है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। अब क्या रूल है, अगर स्मॉल नंबर कहाँ पर है, स्मॉल नंबर फर्स्ट प्लेस पे या सेकंड प्लेस पे, तो यहाँ पर स्मॉल नंबर कहाँ पर है, स्मॉल नंबर या सेकंड प्लेस पे, तो सेकंड का मतलब क्या, आपको सेकंड आपको प्लस करना है, सेकंड आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो 50 प्लस 10 क्या है, आपको 60 मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक रूल्स आपको बताया मैंने, ये आपको रूल याद है तो आप कोई भी नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी नंबर को आप रोमन नंबर में लिख सकते हैं। कन्वर्ट करेंगे आपके टेक्स्ट बुक में 1 टू 20 तक का नंबर रोमन नंबर लिखा है, तो हम लोग सीख से कि हम लोग नंबर कैसा लिखेंगे। तो देखिए 1 के लिए क्या अपना रूल है, 1 के लिए मतलब आपको क्या लिखना है, आय। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं आय, ये क्या है, इंटरनेशनल नंबर टू रोमन नंबर में लिख रहे हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल नंबर गिवन है, इसको हम लोग रोमन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। टू का मतलब क्या है, पहले रूल हम लोग आय को दो बार रिपीट कर सकते, तो आय आय मतलब टू हो गया। थ्री के लिए तीन बार, तीन आय बना दो। अब हम लोग फोर के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको रूल बताया कि जो आपको आय 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 इसे हम लोग फोर टाइम नहीं लिख सकते, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अब देखिए फोर की फ्लो, फोर की क्लोज नंबर, फोर के पास कौन सा नंबर है, फोर के पास, देखिए हम लोग यहाँ फोर के लिए कोई नंबर नहीं है, तो फोर के पास कौन सा नंबर है, क्लोज मतलब फाइव है। तो मैं अगर मैं यहाँ फाइव लिखूँ तो मुझे फोर चाहिए, तो आपको फाइव, आपको फोर का मतलब क्या है, फोर मतलब फाइव में से वन गए तो आता है फोर, फोर मतलब फाइव में वन गए तो आता है फोर, फाइव में से वन गया था फोर। तो देखिए अब मुझे, मैंने फाइव लिखा, अब मुझे नंबर कम करना है, तो माइनस कब करेंगे, जब नंबर के स्मॉल नंबर की रूल के स्मॉल नंबर ऑन फर्स्ट प्लेस, तो फोर को फाइव का जब इसमें वन माइनस करेंगे, तो वन का मतलब क्या होता है, वन मतलब क्या होता है, आई। तो यहाँ पर लिखेंगे आई, तो देखिए फाइव में से वन गया, बन गया फोर। तो देखिए जब भी आपका स्मॉल नंबर फर्स्ट प्लेस पे, देखिए स्मॉल नंबर कहाँ पर आएगा, फर्स्ट प्लेस पे, सबको वैल्यू को माइनस करना है। अब फाइव लिखना है, तो फाइव के लिए क्या होता है, वी, फाइव के लिए क्या होता है, वी, सिंपल फाइव के लिए वी गिवन है, ठीक है। अभी आपको लिखना है सिक्स, तो सिक्स के लिए पहले फाइव लिखो, उसमें प्लस वन कर लो। अब प्लस वन क्यों, मैंने आपको बोला जब स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबर सेकंड नंबर, स्मॉल नंबर कहाँ पर, सेकंड प्लेस पे, तो आपको वैल्यू को प्लस करना है स्मॉल नंबर सेकंड प्लेस पे। तो देखिए इसलिए फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस स्मॉल नंबर, तो वैल्यू हम लोग प्लस करेंगे। तो फाइव प्लस वन सिक्स, ये मिल गया आपको सेवन, फाइव प्लस टू सेवन हो गया आपको एट, एट के लिए क्या करें, फाइव प्लस थ्री। तो देखिए हम लोग बड़े स्मॉल नंबर बाद में लिख रहे ना, पहले बड़े फाइव नंबर बड़े हैं और थ्री के सेकंड प्लेस पे आ गया, तो इसके लिए माइनस कर, देखिए ये फाइव और ये प्लस टू थ्री, देखिए फाइव लिखे, उसके बाद फाइव में एक वन ऐड कर दिए, सिक्स सेवन लिखे प्लस टू कर दिए, फाइव लिखे प्लस थ्री कर दिए। अब नाइन लिखना है, अब लोग नाइन के लिए, नाइन के अब देखो मैंने क्या, आपको अभी एट मैंने वी, ये मेरा एट बन गया, एट बना। अब इसमें एक और लाइन डालूंगा, ये चार बार, ये कितना, चार बार रिपीट हो गया। मैंने आपको रूल क्या बताया, मैक्सिमम नंबर आपको कितना, थ्री टाइम रिपीट करना है, कितना, ओनली थ्री टाइम। बट यहाँ पर क्या हुआ, फोर टाइम रिपीट हुआ, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अभी, अब नाइन के क्लोज नंबर कौन सा है, नाइन के पास में कौन सा नंबर आता है, तो टेन आता है, तो मैं टेन लिखूंगा। अब टेन, नाइन कब बनता है, टेन में से वन माइनस कर दो तो नाइन बनता है। तो अब मुझे नंबर माइनस करना है, नंबर मुझे माइनस करना है, तो माइनस कब होगा, जब नंबर पहले प्लेस पे आएगा, किधर पे नंबर आएगा,
नंबर होना फर्स्ट प्लेस, माइनस के लिए क्या है आपको स्मॉल नंबर फर्स्ट प्लेस पे रखना पड़ेगा। स्मॉल नंबर वन है तो वन मानकर मैं वन यहाँ रखूंगा तो ये बन गया नाइन, ये नाइन के लिए ये वन रखा, इसको मैं यहाँ रखूँ तो क्या हो जाएगा इलेवन बन जाएगा। अब इसको इधर लिखो तो इलेवन, और अगर इसको आपको इधर रखो तो ये बन गया नाइन। तो बस इतना डिफरेंस है, स्मॉल नंबर अगर स्मॉल नंबर फर्स्ट प्लेस पे तो माइनस करना है, नंबर क्या रहेगा फर्स्ट प्लेस पे तो वैल्यू माइनस, सेकंड प्लेस पे प्लस। देखिए ये टेन का चेन अपने टेन पे, ये अपना टेन पहले से ये टेन ही है ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट सेकंड प्लेस पे रखा तो वैल्यू प्लेस कर दिए, फर्स्ट प्लेस पे माइनस कर दिए, इतना सिर्फ डिफरेंस है। अब टेन का मतलब क्या होता है, टेन का मतलब एक्स, टेन का मतलब क्या होता है एक्स, तो लिखिए टेन का मतलब होता है एक्स। अब लिखना आपको इलेवन, तो इलेवन के हम क्या करेंगे, पहले हम लोग टेन लिखेंगे उसमें वैल्यू प्लस करना है, तो प्लस कब होती है जब वैल्यू सेकंड प्लेस पे आती है, वैल्यू कहाँ पर आती है सेकंड प्लेस पे, ये आपको याद रखना सेकंड प्लेस पे। तो ये अपना सेकंड प्लेस हो गया, इलेवन में क्या ट्वेल्व के लिए हम क्या करेंगे एक्स लिखो उसमें प्लस टू कर दो, थर्टीन के लिए हमें टेन प्लस टू करना है, टेन प्लस टू ट्वेल्व, टेन प्लस थ्री थर्टीन, ठीक है टेन लिखे प्लस थ्री कर दिए। अब मैं टेन लिखूंगा उसमें प्लस फोर करना है, तो प्लस फोर के हम नंबर को आगे लिखना है सेकेंड प्लेस पे, प्लस करने की वैल्यू सेकेंड प्लेस पे आना चाहिए, तो टेन प्लस ये वाला फोर इधर पे दिया आपको, देखिए सिंपल सामने फोर है, टेन प्लस फाइव, तो फाइव के लिए आप आगे लिखना नंबर को सेकेंड प्लेस पे, ठीक है ये भी लॉक करना है। अब क्या है हमको सिक्सटीन लिखना है, तो सिक्सटीन में पहले टेन लिखो और वैल्यू कहाँ चाहिए सेकेंड प्लेस पे, क्यों हम लोग को वैल्यू टेन प्लस सिक्स करना है ना, वैल्यू ऐड करने के लिए वैल्यू कहाँ चाहिए सेकेंड प्लेस पे, तो सिक्स को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है सिक्स इधर लिखिए वैल्यू सेकेंड प्लेस पे लिख दिए, आपको वैल्यू सेवनटीन चाहिए, सेवनटीन मतलब ये होता है टेन प्लस सेवन, तो टेन प्लस सेवन, एटीन के लिए एट, तो टेन प्लस एट, नाइनटीन के लिए क्या करना पड़ेगा टेन प्लस नाइन, ठीक है ये नाइन टेन लिखे कोई नाइन का वैल्यू ये होता है नाइन लिख दिए, ट्वेंटी मतलब दो बार एक्स, तो ये बन गया ट्वेंटी। वो देखेंगे कि कोई भी अगर आपको रैंडमली नंबर गिवन है तो सब कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझो आपको गिवन है ट्वेंटी फाइव, सो क्या बोला आपको लिखो रोमन, इंटरनेशनल टू रोमन नाउन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे ट्वेंटी फाइव मतलब इसको हम स्प्लिट करेंगे, पहले हम इसे टुकड़े करेंगे, ट्वेंटी फाइव मतलब क्या है टेन प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव होता है, ठीक है। अब देखिए तो 10 का मतलब क्या होता है, 10 मतलब x, 10 मतलब x, तो यहाँ पर लिखूँ मैं x x, ठीक है, और 5 मतलब क्या होता है v, 5 मतलब v होता है v। अब देखिए मैं आपको क्या बताया, अगर दो नंबर सेम आया, दो नंबर सेम आया तो उसको प्लस करना है, तो 10 ये अपना ये क्या जिसको मैं x x लिखूँगा 20 हो गया, और v का मतलब क्या है 5, तो ये आपको डायरेक्ट 25 मिल गया, देखिए 25 को डायरेक्ट 25 बन गया, ये मतलब सिंपल, पहले आपको 20 मतलब 20 मतलब क्या है 2x, उसमें आपको नंबर प्लस करना है, प्लस 5 करना है, तो सेकंड पोजीशन चाहिए, प्लस 5 के लिए क्या करना आपको प्लस के लिए सेकंड पोजीशन, ये आपको स्मॉल नंबर और सेकंड पोजीशन प्लस, तो ये दो 20 तो मेरा बड़ा हो गया, तो ये मेरा क्या है फर्स्ट पोजीशन, और ये मेरा क्या हो गया सेकंड पोजीशन, तो सेकंड में आपको नंबर प्लस करना है, तो आपको सेकंड में रखना है, समझो आपको लिखना है 36 लिखना है, तो भी कैसे लिखेंगे आप लोग, तो 30 का मतलब क्या है x, 30 मतलब देखिए 30 मतलब क्या है 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6, 6 से मतलब क्या है अब 5 प्लस 1 कर लो 6 होता है सिंपल, तो 10 मतलब कितना 3 बार x है, तो x x x 3 बार x, आपको x को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, देखिए रूल है मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, वेरी गुड। अब 5 का मतलब क्या है 5 आपको ये 6, ठीक है 5 का मतलब क्या है तो v हो गया, आपको प्लस 1 करना है, तो प्लस करने के लिए क्या करना है आपको नंबर और सेकंड पोजीशन, क्या करना है नंबर को सेकंड पोजीशन पे रखना है, तो मतलब जब 1 कर दो तो क्या मिल गया आपको 36। आपको जब कोई भी नंबर लेता है लिख सकते हैं, अगर आपको ये बेसिक रूल्स आपको याद होगा ये रूल्स और आपको अगर ये टेबल्स नहीं याद होगा आपको तो कोई भी नंबर इजीली लिख सकते हैं, समझो आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं, और आपको लिखना है 78 लिखना है 78 लिखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे 70 मतलब क्या है 50 प्लस 20 प्लस 8 ये होता है, तो 50 का मतलब क्या होता है तो फिर मतलब L, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं L, इससे मतलब क्या 20, 20 का मतलब क्या होता है 10 प्लस 10, 20 मतलब क्या है 20 मतलब ये 10 प्लस 10 होता है ना, तो मतलब 2x आएगा,
दो एक्स यहाँ बेसिक है, टेन की मतलब क्या है दो एक्स, यहाँ पर लिखेंगे दो एक्स लिखेंगे। अब एट का मतलब क्या है, एट आपको मालूम एट के हम लोग ऐसे लिखते एट आपको ऐसे हम लोग लिखते थे, इसको यहाँ लिख दो यहाँ पर ये बोल गया, ये आपको क्या मिल गया, ठीक है ये आपको मिल गया नंबर, तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है 78 आ गया। तो कोई भी नंबर इजीली कभी लिख पाएंगे जब आपको ये बेसिक रूल्स आपको बाहर उठूंगा, तो कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है 345, ठीक है तो आप क्या करेंगे, मैं बस बता दिया बेसिक नॉलेज की आपको, तो 300 मतलब किसमें क्या करूँगा, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 प्लस ये 40 मतलब क्या है 40 और प्लस 5, तो आपको ये मिलेगा। अब 100 का मतलब क्या होता है सी, यहाँ पर तीन बार सी आएगा, सी 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 तीन बार आ गया। अब क्या आपको 40, तो 40 का मतलब क्या है एल एक्स, एल एक्स मतलब क्या होता है 40, तो यहाँ लिखूँ एल एक्स एग्जाम में। अब 45 चाहिए तो नंबर आगे लिख दो, आगे आपको वैल्यू क्या होता है प्लस, स्मॉल नंबर जैसे प्लस होता है, तो आपको ये क्या मिल गया 345। तो आप किसी भी नंबर को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं ये आपको सीखना है बेसिकली, और इस तरह रूल फॉलो कर आपको सब आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच, अच्छे आप प्रैक्टिस करो, आपको जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट बताओ, मैं ट्राई करूँ आपको सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करो उस चैनल को।